आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप माइनक्राफ्ट में सिंपल एलिवेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट कैमरा कर लेता हूँ। लीजिएगा, यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट कैमरा कर लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इन्वेंट्री में से कोई भी ब्लॉक ले लेना है। ब्लॉक लेने के बाद आपको कुछ इसको सेट कर देना है। अब उसको आप जितनी हाइट पर ले जाना चाहते हो उतनी हाइट पर आपको ले जाना है। इतना हो जाने के बाद आपको मतलब यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म बना लेना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ। ऐसे बनाने के बाद आपको क्या करना है, मतलब आपको यहाँ पर जो है ग्लास लेके नीचे चले जाना है। उसके बाद आपको मतलब जो इस तरह से आपको मतलब पूरा नीचे तक डिक करते जाना है, मतलब दो ब्लॉक की हाइट छोड़कर। फिर आपको यहाँ पर दो ब्लॉक नीचे रखने हैं, दो यहाँ पर। उसके बाद आपको बटन लेना है। तो यहाँ पर फटाफट से बटन ले लेता हूँ। उसके बाद आपको मतलब सॉरी गाइस, यहाँ क्या कहाँ बीच में। उसके बाद आपको यहाँ से वाटर बकेट एक ले लेनी है। अब आपको बटन इस जगह पर और इधर और ऊपर जाने के ऊपर सॉरी ऊपर जाके बाद आपको वहाँ यहाँ पर आपको दो ब्लॉक कर देना है। उसके बाद आपको इधर भी लगा देना है। तो मतलब ऐसा कुछ बन गया है। अब आपको क्या करना है, आपको वाटर डाल देना है ऊपर से। नीचे चले जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर केल्प का पौधा लगा देना है। उसको बोन मिल के बड़ा कर देना है। करने के बाद आपको इसको यहाँ से तोड़ के यहाँ मिट्टी हटा कर यहाँ पर कोल से लगा देना है। इस तरह से इफेक्ट करेगा और जिसके इसके अंदर जाओगे आपको देगा। तो नीचे आने के लिए आपको सिंपल से वैसा ही करना है जैसा मैंने मतलब आपको यहाँ पर देखो मैंने बताया है, ऐसा ही कर देना है। तो मैं करता हूँ गाइस। ऐसा करने के बाद आपको केल को मतलब दोबारा से तोड़ देना है। मतलब यहाँ पर आपको तोड़ कर यहाँ पर आपको मैग्मा ब्लॉक लगा देना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ से आपको आज के स्टूडियो में इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को नहीं लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को सेलेक्ट कर देना। गाइस मैं पूरी भी